बंदी छोड़ गरीब दास साहेब की वाणी के अखंड पाठ की पूजा होती हुई है। सबसे पहले तो खुशी का जो भजन है भोग का शब्द है जो अपार खुशी सारी संगत को महापुरुष को हम सबको है सदगुरु जी के समागम की। पहले आप उसके शब्द को हम पढ़ेंगे। आज मिलन बधाइयां दी संगत भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइयां दी संगत भोग गुरानु लगिया। सुख देना दुख मेटना सुख देना दुख मेटना राजा राखे तन संग दे भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइयां दी संग दे भोग गुरानु लगिया। सुर देती सो खुश किए सुर देती सो खुश किए नमस्कार तोरे अन्न संग दे भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइयां दी संग दे भोग गुरानु लगिया। अमिजल साहिब रूप है अमिजल साहिब रूप है दुनिया तेरे सा जाए संग दे भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइयां दी संग दे भोग गुरानु लगिया। चारों युग परवान है चारों युग परवान है आत्म भोग लगाए संग दे भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइयां दी संग दे भोग गुरानु लगिया। जो अपने सो यार के जो अपने सो और के एक पीर बजार संग दे भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइयां दी संग दे भोग गुरानु लगिया। दुखिया भोजन देत है दुखिया भोजन देत है पौधे के परवान संग दे भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइयां दी संग दे भोग गुरानु लगिया। लाख चौरासी जीव का भोजन बसे आकाश संग दे भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइयां दी संग दे भोग गुरानु लगिया। कहताबर से नीर हुए कहताबर से नीर हुए पूरे सब की आस संग दे भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइयां जी संग दे भोग गुरानु लगिया। धर्म तो दस गए नहीं धर्म तो दस गए नहीं दस गए तीनों लोग संग दे भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइयां जी संग दे भोग गुरानु लगिया। आयत में खैर है आयत में खैर है इतना तम पोष संग दे भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइयां जी संग दे भोग गुरानु लगिया। एक या कहे धर्म की एक या
बल्कि छोर साहिब सभी के ऊपर अपना मेहर भरा बंदा रखे। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री महंत गंगा सागर जी की कृपा से उनकी सदैव दी हुई आज्ञा से और परम पूज्य माता श्री जो वर्तमान में जिनका मार्गदर्शन मुझे मिलता है, जिनका वर्ण हस्त मेरे सिर के ऊपर है, उनकी कृपा से आज्ञा से 5 मई को उनके कर कमलों के द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उसके बाद बहुत से हमारे विशिष्ट जन मंत्रीगण और कई बड़े बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति भी बंदी छोर को नमन करने के लिए इस मौके पर आए। और आज हमारे बीच में महापुरुष कई दिनों से दर्शन दे रहे श्री रामपुर धाम से परम पूज्य स्वामी दर्शन दास महाराज जी आए। बड़ी खुशी व्यक्ति श्री जरूर साहब धाम से स्वामी अमृतानंद जी और बहुत से महात्मा कल आए थे। स्वामी गुजराल दास शास्त्री जैसे विद्वान महापुरुष यहाँ पर आए हैं और भी बहुत से महापुरुष इन 5 दिनों में 6 दिनों में आकर सतगुरु जी के चरणों में मत्था टेक कर गए हैं और पूरे वर्ष भर आते रहेंगे। और महाराज गुरी वालों की गति पर आसीन उनका साक्षात स्वरूप वही ज्योत वही ताकत उनकी गति पर आसीन परम पूजनीय स्वामी चेतनानंद जी वेदांताचार्य रात्रि से ही आए हुए हैं और उनके हुक्म से बहुत सी संगत आई हुई है। गीत की संगत ने पहले आकर काफी दिनों तक काम करके सेवा करके अपनी खुशी प्रकट की है। हरियाणा प्रांत से बहुत से भक्त 6 दिनों से लगे हुए हैं, दिन रात कार्यक्रम चल रहे हैं। कभी शोभा यात्रा हुई, कभी रक्तदान कैंप लगाया गया, कभी मेडिकल कैंप लगाया गया, ज्ञान गोष्ठी हुई, सिलाई मशीने, टिपैया साइकिल, बहुत कुछ यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। भाई आनंद सागर ने राजनीतिक लोगों के साथ समन्वय करके बहुत से अच्छे कार्य करवाए। भाई कमल सागर रतन सागर ने सारे कार्यक्रम में सहयोग दिया है, ग्रामवासियों का बहुत बड़ा सहयोग है। और अब जो है पूरे वर्ष भर ये कार्यक्रम चल रहे हैं, अगले वर्ष 4 मई तक कार्यक्रम चलेगा, यहाँ पर भी, पूरे देश में भी, कुछ विदेशों में भी। कई करोड़ का ये खर्चा है, सतगुरु जी आप देने वाले हैं संगतों के माध्यम से, संगतों के चित्त में प्रेरणा लेंगे। बंदी छोड़ एक सेवा 11,000 रुपए की रखी गई है, कोई पाठ के रूप में ले ले, कोई भंडारे के रूप में ले ले, कोई यज्ञ अनुष्ठान के रूप में ले ले, कोई प्रचार के रूप में ले ले, कोई सेवा के रूप में ले ले। 11,000 की एक सेवा रखी गई है। अखंड पाठ भी चल रहे हैं, अगली पूर्णिमा पर जिन लोगों के अखंड पाठ से 1 महीने के दौरान पूर्ण होंगे उनकी अरदास की जाएगी। अखंड पाठ अखंड माई मंदिर में जन साहिब में भी होंगे, केविन में भी होंगे, लेकिन अखंड पाठ जो यहाँ छतरी साहिब में चलेगा यहाँ पर सबकी अरदास हर महीने के महीने होती रहेगी। और बंदेश्वर साहिब के जो प्रेमी जन है, कोई भंडारा दे सकता है, कोई प्रचार में पैसा लगा सकता है, आगे टीवी चैनलों में भी खर्चा होना है, वो भी आप लोगों ने करना है। मेरा कहने का भाव हर व्यक्ति हर सत्संगी हर सेवादार ये संकल्प ले कि हर घर से कम 11,000 की एक सेवा किसी न किसी रूप से छुड़ानी धाम में जरूर पहुंचे। इसके लिए हम सभी को पत्र भी लिखेंगे, फोन भी करेंगे, प्रेरणा भी करेंगे और छतरी साहिब के भव्य जन जागरण भी प्रेरणा करेंगे। और इधर मैंने आज स्वामी चेतनानंद महाराज जी वेदांताचार्य जो भूरी वालों के बरासीन है, प्रातः उनसे विचार विमर्श किया, उनसे विशेष अनुरोध किया कि आपकी संगत जो है सक्षम है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को उत्साहित करें, प्रेरित करें कि छुड़ानी धाम की सेवा करें। और महाराज जी ने मुझे बहुत अच्छा आश्वासन दिया है, ये तो हमारा कर्तव्य है। फिर भी मैं अपनी तरफ से भी सभी भक्तों को किसी न किसी माध्यम से सूचना दूंगा, प्रेरणा दूंगा, यहाँ आने के लिए आमंत्रित करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति यहाँ पर आए, हर व्यक्ति यहाँ सेवा करे, यहाँ पर आकर परिक्रमा करे और बंदी छोड़ के 300 साल में
सदगुरु की खुशी प्राप्त करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सुखद संयोग है। एक वर्ष तक पंडित लोग ग्रह नक्षत्र देखकर बताते हैं, लेकिन हम तो अपनी भावना देखकर बताते हैं कि गरीबदास साहिब का ये 300 साल जो एक वर्ष तक चलेगा, इससे बड़ा सुखद सुखी करने वाला संयोग भक्तों के लिए, संतों के लिए कोई नहीं। सो मैं सभी को बार बार समय अनुसार प्रेरणा भी देता रहूंगा, और यहाँ पर कार्यक्रम भी होते रहेंगे। गर्मियों में कार्यक्रम कुछ कम रहेंगे मौसम की वजह से, सर्दियों में कार्यक्रमों की संख्या ज्यादा रहेगी, और जो जो कोई अपने यहाँ कार्यक्रम रखवाना चाहेंगे वो सूचना भी दे दें, फोन पे संपर्क कर लें। मैं सभी महापुरुषों का धन्यवाद करता हूँ, और जो कई रोज से भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, सेवादार आए हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोगों ने लगातार 6 दिन तक यहाँ पर सेवा की है। बंदी छोड़ साहेब सबके ऊपर कृपा करेंगे, और अभी अभी हमारे बीच में बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब के परम उपासक, गरीबदास साहिब के परम उपासक, कई बार सांसद रहे और मेरे मित्र हैं, क्योंकि हम एक ही विद्यालय में पढ़ते रहे हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जिनका पूरा ही कुल सतगुरु कबीर साहिब गरीब साहिब को समर्पित है। इनके पूज्य पिता श्री का नाम ही इनके दादा श्री ने सतगुरु दास रखा हुआ है। देखो कितनी बड़ी भावना है। यहाँ आने पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और समय समय पर वो यहाँ आते हैं, सेवा भी करते हैं। बंदी छोड़ साहिब इनके ऊपर कृपा करें, और जिस क्षेत्र में ये कार्यरत है उसमें इनको तरक्की दें। बाकी जितनी भी संगत है, आई है, भक्त लोग आए हैं, उनको मैं फिर से प्रेरणा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम है, साल भर चलने वाला। इसमें आगे पीछे के भी बहुत से खर्चे होते हैं, कई जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं, आगे चलेंगे, और मंदिर का सामान्य खर्चा जो होता है रोजमर्रा का, या कोई विशेष खर्चा, वो भी बहुत ज्यादा है कई सालों से। तो मेरा इशारा है संगत को कि आप खुले मन के साथ सहयोग करें, सेवा भी है, सहयोग भी है, अपनी संस्था को और ज्यादा उबारने की बात भी है, प्रचार को और ज्यादा गति देने की बात भी है। इसलिए मैं सबके साथ अपना जो कार्यक्रम है वो साझा करूंगा, फोन के द्वारा भी, मिलकर भी, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें, ताकि मेरे को कार्य करने के लिए और ज्यादा नैतिक बल प्राप्त हो। ताकत देने वाले बंदी छोड़ हैं, लेकिन ये संकट भी सतगुरु का स्वरूप होती है, इसलिए मैंने इशारा कर दिया है। जब भी मैं आपको कहूँ आपने तन मन धन से सहयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना है। अब ज्यादा समय ना लेता हुआ, इस खास मौके पर 300 साल अवतार महोत्सव मनाने पर मैं सभी महापुरुषों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी प्रसाद का वितरण होगा, उधर भंडारा भी तैयार है, गर्मी का मौसम है, आप लोग कल से आए हुए हैं, कोई कई दिन से आया हुआ है। सो में ज्यादा ना बोलते हुए महाराज भूली वालों की अति परासीम, उनके परम स्वरूप, निज स्वरूप, वही ज्योत, वही ताकत, परम पूज्य स्वामी चेतनानंद वेदांताचार्य जी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आप सारी संतों को आशीर्वाद दें, प्रेरणा दें, हौसला दें, और मेरा जो ये कार्यक्रम है, क्योंकि 1008 जगह कार्यक्रम है, कुछ जगह मैं भी जाऊंगा तो कुछ जगह मेरे द्वारा जत्थेदार प्रचारक भेजे जाएंगे, तो इस कार्यक्रम के प्रति आप आश्वस्त करें, और आप अपनी संतों को प्रेरणा दें। और स्वामी गुरुजाल दास शास्त्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप प्राय हर पूर्णिमा को आकर दर्शन देते हैं, आप बड़े विकराल महापुरुष हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तों को इस पीठ से, इस गद्दी से शुभ आशीर्वाद देते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत सारे बंधु च सखा तमेव तमेव विद्याद्रविणं तमेव तमेव सर्वं वंदे देव।
बोलिए बंदी शोर महाराज की जय। जयकारा जोर से लगाए भाई, बोलो बंदी शोर महाराज की जय। श्री सतगुरु पुरी श्री सुरानी राम की जय। श्री सुरानी राम की जय। श्री सुरानी राम की जय। सर्वधामों की जय। श्री सनंद्यासागर जी महाराज की जय। श्री सतगुरु भूरी वाले महाराज की जय। श्री सतगुरु रत्न वाले महाराज की जय। श्री सतगुरु ब्रह्मा वाले महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। सर्व धर्मों की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव गौ माता की जय। श्री गंगे माता की जय। भक्ति माता की जय। बोलो बंदी शोर महाराज की जय। सत सारे सत सारे सत सारे। मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री बंदीशोर साहेब जी की पावन पवित्र कल्याणकारी अमृतमयी गुरबानी, मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सुरानी धाम सर्वोच्च पीठाधीश्वर श्रीमान दयासागर जी महाराज जी, सर्व आदरणीय वंदनीय अर्चनीय इस भेद के सभी महापुरुष सतगुरु बंदीश्वर महाराज जी की गरीब दासी संप्रदाय की अनन्य भक्तों माताओं देवियों, सबसे पहले मैं आज इस महान महोत्सव जैसा कि आप श्रीमान दयासागर जी महाराज जी के श्री मुखारविंद से सुना कि ये महान उत्सव जो हमारे गरीब दासी संप्रदाय का महाकुंभ है, बौद्ध पूर्णमासी बौद्ध पूर्णिमा आज के ही दिन सतगुरु बंदीश्वर सतपुर कबीर साहब महाराज जी के अवतार बंदीश्वर महाराज आचार्य गरीबदास महाराज जी इसी पावन पवित्र श्री सुरानी धाम में जहां हम सब लोग आए हुए हैं इसी पवित्र वसुंधरा पर अपने ननिहाल में पिता बलराम और जो मातृशक्ति हमारी माता रानी की सौभाग्य कुख से उन्होंने अपने आप को अवतरित होकर के इस संसार को मार्गदर्शन के लिए इस भूतल पर उन्होंने अवतार लिया। मैं सबसे पहले गरीब दासी संप्रदाय के सभी महापुरुषों को और विशेष करके सतगुरु बंदीश्वर महाराज के वंशित परिवार को कोटि कोटि बार नमन करता हूं और बधाई देता हूं, और साथ में सतगुरु बंदीश्वर महाराज के चरणों में नमन करता हूं और सारी संगत जो गरीबदासी संप्रदाय की आई हुई है, जो आए नहीं किसी कारणवश, उन सभी को मैं इस महान महोत्सव 300 साल का जो ये पर्व है जिसके इंतजार में हम लोग देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं। कहा भी गया है शास्त्र में कि भाग्यम सर्वत्र फलति न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य जो होता है वो हमारे कर्म फल का ही भाग्य होता है। हम कितने सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारे जो पूर्वज बुजुर्ग इस 300 साल के महोत्सव में वो नहीं आ पाए,
कुछ पहले चले गए, कितने पहले चले गए, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी के 300 साल अवस में हम आप सब लोग इस महान पूर्णिमा के दिन जो विशाख की पूर्णिमा है, ये गरीब दासी संप्रदाय के लिए, जन जन के लिए बहुत ही महान दिन है। अभी अभी हमारे पूज्य श्री मानदेया सागर जी आपसे मुखातिब हो रहे थे कि उन्होंने अपनी शब्द स्वरूप वाणी के द्वारा संसार को, लाखों जीवों को, करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन कराया। हमें ये कहते हुए बात बड़ी खुशी हो रही है कि इस गरीबदासी संप्रदाय से द्वारा इस वाणी का प्रचार जन जन तक, विशेष करके हिंदुस्तानी नहीं और साथ में विदेशों में भी इस वाणी का प्रचार प्रसार हो रहा है। इससे बहुत बड़ी खुशी मिलती है कि गुरुदेव महाराज जी का जो संदेश है वो आज हम सब लोगों को एक मार्गदर्शन करा रहा है। हम उस गंतव्य स्थान की ओर चल रहे हैं जिसके लिए हम लोग सब लोग इस संसार में आए हैं। कहा भी गया है कि जो जीवन है ये बड़ा अनमोल है। इस जीवन अनमोल के अंतर्गत जो गुरु महाराज जी का उपदेश है वो अति से अनमोल है। तो गुरु महाराज जी की ये पवित्र वाणी जिसके द्वारा हम आप सब लोगों को मार्गदर्शन होता है, हमें इस महान उत्सव के ऊपर जो 300 साल हम मना रहे हैं, जैसा कि श्री मानदेया सागर जी ने बताया कि एक साल के लिए कार्यक्रम चलेंगे, एक साल के लिए हम लोग महाराज जी के चरणों में, वैसे तो जितने भी पाठ है, जितनी भी क्रिया है संस्थाओं के द्वारा, वो बद्रीश्वर महाराज के चरणों में समर्पित है, लेकिन ये संकल्प रूप में जैसा कि श्री मान जी ने बताया कि एक साल के लिए हम सुन लोग जगह जगह पर सदगुरु महाराज जी के इस महोत्सव को, 300 साल को हमें बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़ी समर्पिता के भाव से हमें मनाना है। क्योंकि गुरु के लिए समर्पित होना, अपने इष्ट के लिए समर्पित होना, ये भगवान के लिए समर्पित हुआ करते हैं। तो मैं आगे ना बात बढ़ाते हुए, जैसा कि आप लोगों को कार्यक्रम बताया है, जितनी संगत यहां आई है, हम सब का ये कर्तव्य है कि हम अपने परिवार की तौर से, एक एक परिवार, जितने भी परिवार हैं, जैसे भी जिस भी महापुरुषों के द्वारा आप जुड़े हैं, क्योंकि हमारा मूल तो छुड़ानी है, ये मूल जो है छुड़ानी है। जैसे पेड़ का जो जड़ है वो मूल होती है, इसीलिए हमारी संप्रदाय का जो जड़ है वो छुड़ानी है। मैं तो छुड़ानी का अर्थ ये किया करता हूं जो धर्मराय के दूतों से छुड़ाने, उसका नाम छुड़ानी धाम है। बोलो छुड़ानी धाम की जय। बोलो श्री मानदेया सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, ये वो स्थान है, जो भी प्राणी इस छुड़ानी धाम के धाम से जुड़ा हुआ है, भले किसी भी महापुरुषों के द्वारा जुड़ा हुआ है, भैया उसकी फाइल यहां लगी हुई है। जैसा आप देखते हो कि किसी कोर्ट में आप केस करते हो, आपकी फाइल उसमें दर्ज हो जाती है, ऐसे ही हम आप सब लोग जितने भी यहां आए हैं, ये मैं बात स्पष्ट कर दूं कि हम सब लोगों की फाइल सदगुरु महाराज के चरण, बंदीश्वर महाराज के चरणों में लगी हुई है, और जो हमारे वकील हैं, जो वकालत करने वाले हैं, वो हमारे सदगुरु हैं, बंदीश्वर महाराज सदगुरु भूरी वाले हैं, और वो भूरी वाले हमें ये रास्ता बता रहे हैं कि तुम यहां आओ। ये वो स्थान है जहां पर कितने महीनों रह करके सदगुरु भूरी वाले महाराज जी सेवा कराया करते थे। हमारा भी कर्तव्य है, हम उन्हीं की संतान है, भले ही स्वामी दयालुदास महाराज जी की परंपरा में सेवक हैं, संत हैं, और हमारे महाराज आचार्य सदगुरु बंदीश्वर महाराज जी के इस परंपरा के सेवक हैं, महाराज भूरी वालों की गुरुगति परंपरा के सेवक हैं, हम सबको चाहिए तन और मन और धन से इस महान उत्सव जो कि 300 साल हम सब लोग मना रहे हैं साल के लिए, इसमें सभी को कोई ज्यादा राशि नहीं है, 11,000 रुपया कोई ज्यादा राशि नहीं, जैसा कि श्रीमान जी ने बताया, तो सभी को पाठ के लिए समर्पित करना चाहिए। और इसका जो है गणना बता दी गई है कि 1108 पाठ जो है होगा, जिसका एक पाठ का जो है सेवा जो है वो 11,000 रुपया है।
तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सुबह ये महान उत्सव जो हमारे जीवन में आ, जैसे मैंने कहा पहले कहा कि भाग्यम सर्वत्र फलती न च विद्या न च पौरुषम, पौरुष और विद्या ये इतना फलित नहीं होती जितना कि हमारा किया हुआ भाग्य हमारा साथ देता है। भाग्य क्या होता है? जो हम कर्म करते हैं, जो हम कर्म करते हैं वही हमारा भाग्य बनता है। किस्मत किसको कहते हैं? किस्मत नाम कर्म का है, कर्म ही किस्मत बनाती है। तो यहां आने पर हम सब लोगों के कर्म बनते हैं, किस्मत बनती है। किस्मत बिगड़ी हुई है वो सुधर जाती है अगर हम अपने मूल स्थान श्री शुगानी धाम में तन और मन और धन से सेवा करेंगे। तो मैं आगे ना ज्यादा बात बढ़ाते हुए इस महान उत्सव के शुभ अवसर के ऊपर सभी संतों को, ग्रीवदासी संप्रदाय के सभी महापुरुषों को और सभी संगत को और विशेष करके इस वंशी को श्रीमान दयाल सागर जी महाराज जी, माता जी और हमारे साहबजादे, हमारे उनके भाई साहब जितने भी हैं, परिवार वाले वंशित हैं, निश्चयदार हैं अथवा आप सब लोग हैं, क्योंकि हमारा वंश तो बंदीशोर महाराज जी का वंश है। ये तो कहने की बात होती है कि हम उस वंश से हैं, उस वंश से हैं, लेकिन हम सबका वंश कौन सा है बोलो सब? हमारा सबका वंश है बंदीशोर महाराज जी का वंश, बंदीशोर का वंश है। हम किसी जाति या पार्टी से संबंध नहीं रखते। हमारा वंश जो है अति उत्तम वंश है वो है बंदीशोर महाराज जी का वंश। इसलिए हम सब बंदीशोर महाराज के वंश से उत्पन्न हुए हैं, उनकी संतान हैं। तो हमें तन और मन और धन से शुगानी धाम जी महाराज के इस जो है कथन अनुसार हमें सबको सेवा करनी है। और जैसा कि बात बताया गया कि आप लोग एक महीने के अंदर जो पाठ चलेंगे उनमें 11,000 रुपए एक पाठ का देना है, तो आपके नाम का पाठ किया जाएगा। तो आगे विस्तृत कार्यक्रम आपको श्रीमान दयाल सागर जी समय समय पर आपको बताते रहेंगे। तो मैं एक बार फिर सभी संगत से अनुरोध करूंगा, गेलो भैया कितने चढ़ा रहे हैं, गिन लो पहले, पहले बात गिन लिया करो ना, यहाँ करके अल्लाह करी। आप सभी लोगों को ये निश्चित करना है कि आप सबने मिल करके और सभी को साथ देना है ताकि सतगुरु बंदीश्वर महाराज जी का ये 300 साल, वैसे तो महाराज जी ने श्रीमान महाराज जी ने बता ही दिया कि देसी घी के दीपक जलाना चाहिए, जलाए गए, लेकिन आज के दिन विशेष करके सभी को अपने घरों में सतगुरु बंदीश्वर महाराज जी के अवतार दिवस के लक्ष्य को लेकर के देसी घी के दिए सभी को जलाने चाहिए और साथ में सतगुरु बंदीश्वर महाराज जी को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि आज का दिन ग्रीवदासी संप्रदाय के लिए अति उत्तम दिन है, इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। आगे बात बढ़ती जाएगी। मैं एक बार फिर सभी को इस शुभ अवसर के ऊपर और विशेष करके श्री महेंद्र दया साहिब जी महाराज के चरणों में इस महान अवसर के शुभ अवसर के ऊपर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सबके लिए मंगल कामना करता हूँ कि बंदीश्वर साहेब जी सबको सदबुद्धि दे, सबका शरीर स्वस्थ रहे और सब जो है मन से गुरु महाराज के दिए हुए शब्द का जाप करें, शक्ति दे आपको, भक्ति की शक्ति दे, सेवा की शक्ति दे। और मैं देख रहा हूं कि शुगानी धाम में जितने भी लोग यहाँ आते हैं बड़ी श्रद्धा से आते हैं, बड़े प्रेम से आते हैं, और जिन जिन लोगों ने यहाँ सेवा की है, तन से मन से धन से सेवा की है अथवा करनी है, और उनके ऊपर गुरु महाराज बंदीश्वर साहेब सदगुरु भूरी वाले उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। और मेरी तरफ से सभी को इस मास ऊपर 300 साल के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिर्भवतु। एक बार जयकारा लगाओ जोर से, बोलो बंदीशोर महाराज की जय, बोलो श्री सद्गुरु पुरी वाला की जय, श्रीमान दया सागर जी महाराज की जय, बोलो सर्व संतों की जय, बोलो श्री सद्गुरु रखने वाला की जय, श्री सद्गुरु गरुड़ वाला की जय, बेलों वाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय, बोलो सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, सर्व धर्मों की
की जय। गुरु गुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। Thank you.